गुणाला सेवाई लाता रोला दा गुणवाला जमा आई लाता जमा आई लाता गुणवाला जमा आई लाता रोला दा गुणवाला जमा आई लाता गुणवाला जमा आई लाता रोला दा गुणाला सेवा आई लाता अपला सोजर पेलता सेवा आई लाता अपला सोजर पेलता वाला सगा वाई लाता लाता हाँ, सेवा जोहर साथियों। आज का दिन हम कोया वंशियों के लिए बेहद दुख का दिन है। दिनांक 30 अक्टूबर 2015 मतलब आज ही के दिन डॉक्टर मोतीरावन कंगाली सर हम सबसे विदा हो गए हैं। उनका आज 5वीं स्मृति दिवस है। इस 5वीं स्मृति दिवस के अवसर पर मैं बिच्छू वड्डे गोंडवाना दर्शन परिवार के ओर से डॉक्टर मोतीरावन कंगाली सर को मैं सर्वप्रथम श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ। साथियों, आप सभी जानते हो, अगर गोंडवाना का नाम हम सबके दिल दिमाग पर छपता है या दिल से निकलता है तो सबसे पहले हम मोतीरावन कंगाली जी को याद करते हैं। डॉक्टर मोतीरावन कंगाली जी का जन्म दुलारा यह कोयतूर नगरी में हुआ, जो महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है। डॉक्टर मोतीरावन कंगाली जी बैंक में नौकरी करते थे। बैंक से रिटायर्ड होने के बाद आराम करने के बजाय मोतीरावन जी कंगाली सर समाज का इतिहास, संस्कृति, भाषा पर रिसर्च चालू किया और अनेक किताबें लिखे, जो आज हम सब उन किताबों को पढ़कर खुद के अस्तित्व को पहचानने लगे। गोंडवाना का सांस्कृतिक धरोहर, गोंडी भाषा का उत्पत्ति, गोंडी करियाट, कोया पुण्यम दर्शन, गढ़कोट किले आदि किताबें कंगाली जी आदि किताबें बहुत सारी किताबें कंगाली जी के प्रकाशित हो चुके हैं। कंगाली जी गोंडी भाषा के अच्छे जानकार व्यक्ति थे। वे जब गोंडी गांवों में जाते थे तब वे लोगों को अपनी मातृभाषा से लोगों को संबोधित करते थे, कोया पुण्यम का सार समझा कर बताते थे। कंगाली जी का दावा था कि सिंधु संस्कृति के वारसदार हम कोयावंशी कोयतूर ही है, हम गोंड ही है, क्योंकि सिंधु घाटी में कोया कोयतूरों का उगम हुआ ऐसा वे मानते थे और वही पर हमारी विकसित सभ्यता का निर्माण भी हुआ, जो आर्य आक्रमण के बाद उससे विकसित सभ्यता को, विकसित संस्कृति को नष्ट किया गया। हड़प्पा मोहनजोदड़ा में जो हजारों शिलालेख उत्खनन के दौरान मिले, उन शिलालेखों पर जो चित्रांकन है, चित्राक्षर है, उसमें जो लिपि है उसे दुनिया का कोई भी संशोधक नहीं पढ़ पाया, ना ही उसे जान पाया आज तक। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले शिलालेखों पर जो चित्र है, अक्षर है, लिपि है, उसे गोंडी भाषा में डॉक्टर मोतीरावन कंगाली ने सर्वप्रथम पढ़कर बताया। ये हमारे लिए, हम कोयतूरों के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है। 400 के वो खुदाई में जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जब उत्खनन हुआ तब हजारों शिलालेख मिले और उस हजारों शिलालेखों में से 400 से अधिक शिलालेखों का सफलतापूर्वक डॉक्टर मोतीरावन कंगाली जी ने गोंडी में पढ़कर बताया, जो कोई भी वैज्ञानिक नहीं कर सका, वो शिलालेख को नहीं पढ़ सका। हड़प्पा मोहनजोदड़ो हम्पी कर्नाटक भीमबेटका की गुफाओं में आज भी जो रॉक शेल्टर, जो रॉक पेंटिंग के रूप में कोयतूरों ने निकाली गई जो चित्र अंकित है, वह चित्र कोयतूर जीवनी पर आधारित है। वही चित्र शैली हड़प्पा मोहनजोदड़ो की शिलालेखों में अंकित है, जिसे मोतीरावन कंगाली सर
गोंडी भाषा में इस दुनिया को पढ़कर बताया। सैंधवी लिपि का गोंडी में उद्वाचन इस महत्वपूर्ण ग्रंथ में डॉक्टर मोतीरावन कंगल सर ने शैल चित्र, चित्र अक्षर, शैलाश्रय में सज्जित चित्र को गोंडी में कैसे पढ़ सकते हैं, इसकी सारी जानकारी लिखी है। साथियों, सिंधु सभ्यता के हम वारिस है। भीम बेटका भी हमारी धरोहर है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो भी हम कोइत्रो का ही सुशोभित नगरी था, जिसे आर्य लोगों ने आक्रमण कर नष्ट कर दिया। डॉक्टर मोतीरावन कंगल सर के बताए मार्ग पर सदा चलने की कोशिश हमें सामूहिकता से करना चाहिए। जिस तरह महाराष्ट्र के गोंडी भाषा तज्ञ प्रकाश सलामे साहब मोतीरावन के वारसा को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की हर चित्रलिपि को गोंडी में पढ़ रहे हैं। कर्नाटक हम्पी में जो तलारी गुट्टा की शेल्टर केव में आदि मानव यानी कोइत्रो द्वारा जो चित्र अंकित थे, उनमें से प्रकाश सलामे ने 5 चित्रों की वाचन सफलतापूर्वक गोंडी भाषा में किया। उस वक्त तेलंगाना के आरजू सिडाम, मानिकरावर का गुलजार मरखाम भैया, मोतीरावन कंगाल सर भी उनके साथ थे। बाद में प्रकाश सलामे के अथक प्रयासों से, डॉक्टर मोतीरावन कंगाल सर के अथक प्रयासों से 22 अगस्त 2012 को नागपुर दूरदर्शन में हड़प्पा मोहनजोदड़ो की शिलालेखों का वाचन टेलीकास्ट हुआ। उसके बाद 29 अगस्त 2012 को फिर सह्याद्री वाहिनी में वही इंटरव्यू री टेलीकास्ट हुआ। तब सारी दुनिया वो टेलीकास्ट देख चुका था कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जो चित्रलिपि हुआ वो गोंडी लिपि है, कोइत्रो की लिपि थी, जिसका एंकर प्रकाश सलामे सर खुद कर रहे थे। प्रकाश सलामे सर आज भी जीवित है, हमारे महाराष्ट्र में है वो। मोतीरावन कंगाल सर और प्रकाश सलामे सर ने वो करके दिखाया जो दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक नहीं कर सका। आज हमारे पास मोतीरावन कंगाल सर तो नहीं रहे, पर प्रकाश सलामे है, हमें उसे साथ देना चाहिए, ना कि उसकी बदनामी करना चाहिए। मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, कुछ लोग प्रकाश सलामे सर को टारगेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये गलत लोगों को बता रहा है, उसे भला बुरा बोल रहे हैं। अपनों से ही क्यों लड़ते हो आप? कोई गलती करे तो उसे बताना चाहिए। मोतीरावन कंगाल सर का वारसा गोंडी लिपि जो चित्रलिपि को लेकर प्रकाश सलामे ही चल रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। वही गोंडी लिपि को पढ़ रहे हैं और आप उस और पढ़ रहे हैं और वही प्रकाश सलामे साहब भी गोंडी लिपि को पढ़ रहे हैं और डॉक्टर मोतीरावन कंगाल सर के वारसा को आगे ले जा रहे हैं। मोतीरावन कंगाल सर का सपना था कि हमारी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना है, गोंडी को विश्व पटल पर लाना है। हम में से कितने लोग हैं जो इस विषय को लेकर चल रहे हैं? इसलिए जो कर रहा है उसका साथ हम सबको देना होगा, उसकी ताकत बनना होगा। अपनों से ही लड़के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, हमें एक होना है, एक रहना है, तभी हम मोतीरावन कंगाल जी के सपनों को पूरा कर सकेंगे, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे, सुनील सिंह ताराम साहब का सपना पूरा कर सकेंगे जो उन्होंने देखा था। सुनील सिंह ताराम साहब ने जिंदगी के असीम पल को समाज के लिए त्याग दिया, साहित्य के लिए कुर्बान किया। ऐसी कुर्बानी किसी और ने नहीं दी होगी, ऐसा मुझे लगता है। खुद शिक्षा विभाग में ऑफिसर के पद पर थे, फिर भी उसने वो पद छोड़ दिया, उस पद को त्याग दिया और समाज के बारे में लिखना आरंभ किया। 1983 में गोंडवाना सगा और बाद में 1988 में गोंडवाना दर्शन इस मासिक पत्रिका के माध्यम से गोंडवाना के लोगों को साहित्य, संस्कृति, इतिहास, गढ़ किलों के बारे में बताना चालू किया। 1980 में रेलावाही में बहुत बड़ा कोया सम्मेलन था, उस सम्मेलन में दादा हीरा सिंह मरकाम, जिनका
कल परसों 28 अक्टूबर को देहांत हुआ। दादा ईरा सिंह मरकाम उस सम्मेलन में संचालन कर रहे थे। तब उस सम्मेलन में सुनेर सिंह ताराम सर का मुलाकात दादा हीरा सिंह मरखाम से हुआ। उसी सम्मेलन में एक सम्मेलन चलता गया, स्पीच हुआ बहुत सारे, पर उसी सम्मेलन भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी उठा और कहे सभी श्रोताओं से, एक बूढ़ा एक प्रश्न पूछा, मुझे चश्मा दे दो। इसका अर्थ वो बूढ़ा आदमी जानना चाहता था कि हमारे समाज में कितने ज्ञानी लोग हैं। किसी के पास भी उस सवाल का जवाब नहीं था। सभी लोग उस बूढ़े आदमी की तरफ देख कर हंस रहे थे, ये कैसा सवाल है। किसी के पास वो सवाल, उसके सवाल को समझने की किसी ने भी कोशिश नहीं की। तब भीड़ से उठकर सुनेर सिंह ताराम सर माइक लेके बोले कि मैं तो ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी मैं इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा जो आपने पूछा कि मुझे दर्पण दिखा दो, मुझे चश्मा दे दो। तब सुनेर सिंह ताराम साहब माइक लेके बोले कि दर्पण यानी साहित्य, जिस समाज का साहित्य होता है उसे दर्पण कहते हैं, और चश्मा यानी उस समाज की संस्कृति सभ्यता, जिसको समझना महसूस करना अनुभव करना और अपने जीवन व्यवहार में लाना उसको चश्मा कहते हैं। यह जवाब सुनकर वह बूढ़ा आदमी सुनेर सिंह ताराम साहब की पाठ थपथपाई, आशीर्वाद देकर बोला कि तू आगे भी कुछ कर सकता है। उसे आशीर्वाद दिया, तालियों की गड़गड़ाहट से ताराम का स्वागत किया। ताराम जी को नहीं प्रेरणा मिली। वो जो बूढ़े बाबा के शब्द थे, वह पूरे जिंदगी भर मुझे दर्पण दिखा दो, मुझे चश्मा दे दो, वही प्रेरणा लेकर ताराम सर आगे जाकर बने और खुद के दम पर गोंडवाना दर्शन मासिक पत्रिका की आरंभ किया। शुरुआती दौर में लोग इस पत्रिका को विरोध करते थे, तब वे उनसे कहते थे कि मेरा ये मिशन है, मैं उसे समाज के हर घटक तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे पास भले ही पैसे नहीं, फिर भी लोगों की भरपूर पूंजी है, जमा पूंजी है, वही मेरी दौलत है। ताराम जी ने देश के सभी राज्यों को जोड़ने का काम किया, इसलिए अलग अलग राज्यों से पत्रिका के लिए लेख आलेख आने लगे, लिखने वाले नई साहित्यकार बढ़ने लगे, वाचक बढ़ने लगे, पत्रिका का डिमांड दिन ब दिन बढ़ रहा था। मिशन रुकना नहीं चाहिए, इसलिए वे ताराम साहब अलग अलग सम्मेलन लिया। इसे हमें सुवर्ण अक्षरों में लिखना चाहिए, यह कोई मामूली बात नहीं थी उस समय में जो ताराम साहब ने करके दिखाया था। गोंडवाना दर्शन पत्रिका गोंडवाना समाज की दबी हुई आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाने का एक माध्यम था। नए जो लिखने वाले साहित्यकार थे उनके लिए एक मंच था। इस पत्रिका में डॉक्टर मोतीरावन कंगाली सर, पुरुषोत्तम शेड़मा के सर, मनीरावन दुग्गा सर, रावरका सर, आरजू सीडाम सर, मर्स कोले सर, कोमल सिंह मरावी सर, प्रकाश सलामे सर, महाराष्ट्र की ज्येष्ठ साहित्यिका उषा किरण आथराम जी, ऐसे साहित्यकार लिखते थे। सच में उस समय गोंडवाना दर्शन पत्रिका ना होती तो सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनीतिक चेतना ना जगी होती। इतना महान कार्य ताराम जी ने किया, मैं ताराम जी को भी आज सत सत नमन करता हूँ गोंडवाना दर्शन परिवार की ओर से। और अभी 28 अक्टूबर 2020 को जिनका निधन हुआ, जो हम सबको छोड़कर चले गए, वो आखिरी कड़ी थी हमारी, दादा हीरा सिंह मरकाम। वो नाम नहीं था, एक ब्रांड था। सामाजिक राजनीतिक जगत के हीरा सचमुच हमसे छीन गया। दादा हीरा सिंह मरकाम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक थे
और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, पर उसने खुद के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए कभी राजनीति नहीं की। उसने हमें हमेशा समाज को सामने रखा, समाज को भला चाहा, जिसकी बातें सुनने के लिए दूर जगत से लोग बड़ी तादाद में आते थे। हीरा सिंह मरकाम दादा जहाँ खड़े होते थे वहाँ पर जन सैलाब उमड़ पड़ता था, उसकी एक झलक के लिए लोग तरसते थे। ऐसे महान समाज से अंत होना, हमसे बिछड़ जाना, सच में गोंडवाना समाज के लिए अपूर्तनीय क्षति है, जिसकी भरपाई हम पूरी ज़िंदगी में नहीं कर सकेंगे। खुद के लिए तो सभी जीते हैं, पर समाज के लिए जीने वाले लाखों में होते हैं। ऐसे समाज के प्रति समर्पण की भावना रखने वाले डॉक्टर मोतीराम कंगाले सर, सुनेर सिंह ताराम सर और हीरा सिंह मरकाम दादा जैसे गंडजीव गोंडवाना में बहुत कम जन्म लेते हैं। दादा हीरा सिंह मरकाम समाज की आखिरी खड़ी थे। उनके हम सबसे दूर जाना हमारे लिए बेहद दुखद है। उसने निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा की, समाज को जगाया, लाखों करोड़ों को इस देश का शासक होने का एहसास दिलाया, जो हम कोया कोयतरों को एहसास दिलाया। मैं पहली बार दादा से 2017 में भामरागढ़ में मिला था, भारतीय स्टाम्प के घर में, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जिला महिला जिलाध्यक्ष है, उनके घर में आए थे। तब उनसे मैं हीरा सिंह मरकाम दादा से करीब से जानने का मुझे मौका मिला। जेम सिंह मरकाम सर भी उस वक्त दादा के साथ भामरागढ़ आए थे। जब मैं दादा के साथ कुछ पल गुजारा, उनसे बातें की, बातें तो नहीं कर सकता था, उनकी बातें सुनते रहता था, इतनी मिठास होती थी उनकी बातों पर। जब मैं दादा के साथ वसंत स्टाम्प सर के खेत में, मतलब भारतीय स्टाम्प सर के खेत में चला गया, तब उन्होंने कहा, वहाँ खेत में हम चले गए सभी, चेम सिंह मरकाम सर थे, उनके दो साथी थे, दादा थे, मैं था और मेरे साथ दिनेश आर की, जो हमारा भामरागढ़ का एक लड़का है, वो भी था उनके साथ। मैं वो खेत में चला गया स्टाम्प सर के, दादा के साथ ही। तो तब वहाँ दादा ने एक बात बताई मुझे, हम सबको बोला कि इस धरती पर, मतलब उनके खेत पर, आप फल फूल वाले पेड़ लगाओ, धरती पर फल फूल लगाओ, 50 साल बाद मुझे यहाँ हरा भरा फल फूलों सहित जंगल दिखना चाहिए, एक परस बाग दिखना चाहिए। उनकी सोच में कितनी गहरी दूरगामी सोच को इंगित कर रहा था, कर उनका मार्गदर्शन होता था। जब दादा का शव यात्रा अभी 29 तारीख को बिलासपुर अस्पताल से दादा का शव यात्रा निकला, तब करोड़ों मूलवासी देश के कोने कोने से अंतिम दर्शन हेतु बिलासपुर पहुँचे। 10-12 किलोमीटर तक गाड़ियों का कतार लगी थी, इतनी बड़ी कतार शायद किसी भी मुख्यमंत्री के शव यात्रा में भी ना निकला। बिलासपुर से दादा के गांव तक की शव यात्रा ऐतिहासिक थी, अंतिम दर्शन के लिए हर कोई तरस रहा था। बिलासपुर से कवर्ता तक रास्ते पर लोग इंतजार कर रहे थे कि दादा की किस तरह, दादा का छोटा सा भी दर्शन हो, करोड़ों की, लाखों करोड़ों का दिल जीत कर, लोगों को दिल दिमाग पर अस्तित्व अस्मिता को जगा कर दादा हमें छोड़कर चले गए, जिसे गोंडवाना समाज युगों युगों तक याद रखेगा। हमारे समाज में साथियों, हमारे समाज में तीन रत्न पैदा हुए, और वो तीन के तीन रत्न आज हमारे पास नहीं है, हमने खो दिए वो तीन के तीन रत्न। उनमें से मोतीराम कंगाल सर, सुनेर सिंह ताराम सर और आखिरी कड़ी, आखिरी डायमंड, आखिरी रत्न, गोंडवाना रत्न, हीरा सिंह मरकाम सर। सभी हम इन सभी रत्नों को खो दिया। आने वाले दिनों में इन तीनों का, इन त्रिरत्नों का विचारधारा को हम सबको जन जन तक पहुंचाने का कार्य करना होगा, तभी
इन त्रिरत्नों को हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सकेंगे। मैं पुनश्च आज के दिन जिनका स्मृति दिवस है उन्हें मैं नमन करता हूँ, सेवा जोहर करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। और साथ में डॉक्टर सुनेर सिंह ताराम साहब, हीरा सिंह मरकाम को भी श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ। और मैं मेरी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। सेवा 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 जोहर। Joe!